नमस्कार। आज का हमारा पाठ है चंद्र गहना से लौटती बेर। इस पाठ के लेखक हैं कवि वर केदारनाथ अग्रवाल और यह पाठ ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। कवि चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और रास्ते में उन्हें खेत खलिहान दिखाई देते हैं। जो उस गांव से लौटते समय वह देखते हैं उसका सभी के चित्रों का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि कहता है, देख आया चंद्र गहना कि मैं चंद्र गहना गांव देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मुझे अब कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला मैं इस खेत की चार दीवारी पर अकेला बैठा हूँ। एक बीते के बराबर, एक हथेली के बराबर यह हरा ठिगना चना, छोटा सा यह चने का पेड़ बांधे मुरैठा सीस पर, अपने सिर पर साफा बांध कर छोटे गुलाबी फूल का, छोटे से गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। गुलाबी फूल का साफा बांध कर सज करके खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, पास ही अलसी के छोटे छोटे पौधे भी उगाए हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, इसलिए अलसी को हठीली कहा है। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूह हृदय का तन उसको। कवि कहता है कि अलसी का पेड़ बहुत पतला सा है, इसलिए उसकी देह पतली है और उसकी कमर लचीली है और उस पर नीले नीले फूल खिले हुए हैं। वह कहती है कि जो मुझे छुएगा उसे मैं अपने हृदय का दान दूंगी। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी। सरसों के पौधे थोड़े बड़े होते हैं इसलिए उसे शयानी कहा है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, सरसों को देखकर ऐसे लग रहा है कि वह किसी ब्याह के मंडप में आ गई है, शादी के मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और फाल्गुन का जो महीना है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे गीत गा रहा हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है और इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कह रहा है कि यहाँ पर प्रकृति अपना अनुराग आंचल हिला रही है, चारों तरफ प्राकृतिक मनोरम वातावरण बना हुआ है और यह वातावरण जो है शहरों के भीड़ भाड़ वाले शहरों के मुकाबले यहाँ पर गांवों के लोगों में प्रेम की भावना अधिक पाई जाती है। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ, मेरे पाँव के तले एक छोटा सा तालाब है जिसमें छोटी छोटी लहरें आ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही है वह भी लहरियाँ, और इस पोखर के नीले तले में जो एक भूरी सी घास उग रही है वह भी लहरियाँ ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा आँख को है चमकाता, और उसमें मुझे एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा दिखाई दे रहा है जिससे मेरी आँखों में चमक आ रही है। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और किनारे पर कई पत्थर पड़े चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगला डुबाए टांग में जल में। कह रहे हैं कि पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी और ये चुपचाप पानी पीते ही जा रहे हैं, और एक बगुला अपनी टांग जल में डुबा करके खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, जैसे ही उसे कोई मछली दिखाई देती है तो वह अपनी निद्रा से जैसे जाग जाता है। पहले सोने की एक्टिंग करता है, जैसे ही मछली दिखाई देती है तो वह अपनी ध्यान निद्रा त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीले गले के डालता है और अपने नीले गले में चट से उस मछली को दबा करके खा लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन
टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तभी एक काले माथे वाली चतुर सी चिड़िया आती है, जो एक मछली को अपनी चोंच में लेकर के दूर आकाश में उड़ जाती है। हाँ, यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और पास ही रेल की पटरी दिखाई दे रही है। अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी कहीं जाना नहीं है मुझे, तो मैं स्वतंत्र हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। यहीं पर मुझे चित्रकूट की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जो काफ़ी दूर तक फैली हैं। बांझभूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और पास ही कांटेदार कुरूप पेड़ भी लग आए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टेंटे टेंटे टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। यहाँ पर कवि को सुग्गे का स्वर सुनाई दे रहा है, और उसे लग रहा है कि यह जंगल का हृदय चीरता हुआ आ रहा है। सारस का स्वर भी उसे सुनता है। मन होता है उड़ जाऊँ मैं पर फैलाए सारस के संग। तब कवि का मन करता है कि वह सारस के साथ पंख लगा करके उड़ जाए, जहाँ जुगलू जोड़ी रहती है खहरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। और कहता कि सारस की जहां जोड़ी रहती है, मैं उसके साथ चले जाऊं और वहां पर उनकी प्रेम कहानी को सुनता रहूं। इस प्रकार से कवि का मन सारस के साथ उड़कर जाने को करता है, और सारस जहां रहते हैं वहां पर चुपके चुपके उनकी प्रेम कहानी सुन सके, ऐसे उसकी मन की भावना को अपनी इस कविता में व्यक्त करता है।